अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बहलूल फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बनाने लगी थी एक रेमेडी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उसका तरीका थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए, तो चलें फिर बनाते हैं। आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या सीन है, मतलब क्या सीन्स जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में गर्मी के? लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दिन चढ़ता तो सूरज साढ़े मुँह तो पिड़ा मारन आई जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। मैं बनाने लगी थी लिप और चिक टिंट, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी रेमेडीज की शेयर कर दें, खुद के लिए तो बना ही रही हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि चलो आप लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए, तो इस मेरी रेमेडी से कोई आप लोगों को भी फ़र्क पड़ जाए। मम्मा ले गई थी ये चुकंदर हमारे लिए, तो खा तो हम रहे ही हैं, तो मैं कह रही थी कि साथ साथ हम लगाने का भी थोड़ा सा सीन इसका कर लेते। तो अभी ये मैंने लिया एक, इसको बीट रूट कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं चुकंदर, तो इसकी कर लेंगे हम पहले कटिंग अच्छी तरह वॉश करके। चिकंदर का कलर आपको पता ही है कि नेचुरली वैसे भी रेड ही होता है, रेड और पिंकिश सा या तो इसका कलर होता है, तो ये नेचुरली आपके लिप और चिक को जो है ना वो पिंक करता है, रेड रेड भी कर देता है। जिनके ब्लैक होंठ हैं और जिनको पिगमेंटेशन है होंठों पे या कह लें आपके चिक्स पे है या ब्लैक ब्लैक से कोई निशान पड़ जाते हैं, वो उस चीज़ को भी ये क्योर करेगा। और आपके जो ब्लैक हो जाते हैं ना होंठ, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी जल्दी नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज कर देगा उसका कलर भी। जी, तो मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया था और फिर मैंने इसको डाला था ये पानी के अंदर। इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1 कप पानी का, तो अब इसको मैंने करना है ब्लेंड। इसको मैंने कर लिया था ब्लेंड, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। तो इसको छान लेंगे अच्छी तरह से, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा तो आप वो ले लें, वैसे मेरे पास नहीं था अवेलेबल, मैंने तो फिर ये शिफॉन का दुपट्टा था मेरे पास तो वो मैंने ले लिया था ताकि इसको मैं अच्छे तरीके से छान लूँ। जी, तो ये मैंने ये देखा था, इसको मैंने ये इसके अंदर सारा इसका जूस निकाल लिया, इसके अंदर ये इस तरह से आ गया सारा, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे सारा निकल आया। मैंने लिया ये एक सॉस पैन, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जूस इसका, इसको हम पकाएंगे, लेकिन इसको उबाला दिलवाने के बाद ना आपने इसको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, इसको ज़्यादा आपने ऊंची आग पर पकाना नहीं है, नहीं तो ये ना फिर चिपकना शुरू हो जाएगा और जल जाएगा सारा। देखें ये बॉईल होने लग गया, तो अब मैं कर दूंगी इसकी बिल्कुल लो फ्लेम, ये उसके ऊपर अब हम पकाएंगे, लेकिन आपने साथ साथ इसको चेक भी करते रहना। ये जो पल्प इसका बाकी बाद में बचा होगा ना, तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसमें आप दही मिला लें या आप कोई भी एलोवेरा वगैरह, एलोवेरा जेल या विम का हल्का सा रस या कोई इस तरह की चीज़ भी आप इसको मिला के ना इसके अंदर, तो इसको आप एज अ फेस पैक भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। ये देखें जैसे जैसे आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो वैसे वैसे ना ये थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, ये देखें ये और गाढ़ा हो गया हुआ, ऐसे ही करते करते ये थोड़ा सा और हो जाएगा। जी, तो ये देखें ये हो गया हुआ है गाढ़ा अच्छी तरह से, हमें यही फॉर्म चाहिए थी इसकी, तो अभी इसको हम निकाल के रख देंगे थोड़ा सा साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए। जी, तो ये देखें ये आ गया है इस फॉर्म में थोड़ा, तो अब इसको हम सेटल होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने शामिल करने हैं। जी, तो जितनी देर तक हमारा बीटरूट का जूस जो है वो ठंडा हो रहा है, तो उतनी देर में मैं और फरवा जा कर ले जाते हैं खाने पकाने के लिए आज कुछ। आज मामा वगैरह कह रहे थे कि चनों की और माश की दाल मिक्स करके बनाओ और साथ बनाओ चावल, तो फिर हम जा कर ले जाते हैं सामान, साथ साथ रात के खाने की तैयारी करते हैं और साथ साथ मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ टेंट का। जी, तो ये देखें ज़रा ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया वह, तो अब इसके अंदर मैं जो इंग्रेडिएंट ऐड करने लगी हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच ग्लिसरीन का, ठीक है, ये मेरे पास है ग्लिसरीन, तो इसका मैंने डालना है 1/2 चम्मच। 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें एलोवेरा जेल का, ठीक है, आपने ये इसी तरह की ये एलोवेरा जेल लेनी है, आपने दूसरी वाली एलोवेरा जेल नहीं लेनी क्योंकि वो फिर ना दूसरी तरह की कंसिस्टी में नहीं आएगी। आप चाहें तो इसके अंदर एसेंशियल ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसमें ग्लिसरीन इसलिए मिक्स किया है क्योंकि ये तो एक प्रिजर्व रहेगा, एक तो जल्दी ख़राब नहीं होगा जितनी देर तक मर्जी आप इसको यूज़ करते हैं।
जी तो ये देखें, ये इसका कलर आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है जी। तो ये मैंने डाल लिया है इस बॉटल के अंदर, तो मेरे पास ये खाली पड़ी हुई थी जी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग, आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो आपसे होगी मुलाकात एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अपनों में रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें रखे बुरे लोगों से, बुरी नज़र, बुरी सोहबतों से बचा कर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पीस आउट।